हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं और आपको स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए। देखो, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, हर महीने अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलते हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। आप इंट्राडे में ही करो, जहाँ पे पैसा बने वही बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर करके अपनी कैपिटल को आधा या उससे भी ज्यादा 50% 80% 90% तक डाउन कर चुके हो, अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा है और दिन पर दिन लॉस करते जा रहे हो, तो एक बार स्विंग ट्रेडिंग में आओ, स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है इंट्राडे के मुकाबले। इंट्राडे हम लोग करते हैं, जैसे एक डे की कैंडल होती है, ये है जैसे कल के दिन की पूरी कैंडल, तो इस कैंडल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे में, जो कि ज्यादा रिस्की ट्रेडिंग होती है। अब अगर स्विंग ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर भी रिस्क होता है पर इंट्राडे से कम होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर पोजिशन बनाने के बाद में आपको चार्ट पर देखने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम होता है कि चार्ट में यहाँ पर ट्रेड में बैठूं या रुकूं या क्या करूं, तो ये सारे आपके पास टाइमिंग होते हैं, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग करने से आपका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपने एक पोजिशन बना ली, तो पोजिशन वो एक दिन में नहीं कटती है, पोजिशन को हमें कई दिन तक की होल्ड करना पड़ता है, हो सकता है एक हफ्ते तक भी होल्ड करना पड़े। तो अब आप सोच रहे होगा कि एक एक हफ्ते का टाइम कौन देगा, यहाँ पे दो दिन तीन दिन का टाइम कौन देगा यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, आप अगर 10,000 की मान लो कैपिटल, मैं ये वीडियो ये सोच करके बना रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ 10,000 की कैपिटल है, अगर आप मार्केट में बहुत लॉस कर चुके हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ 10,000 रुपए से कैपिटल यूज करो और स्विंग ट्रेड करो। अब जब स्विंग ट्रेड करोगे आप, तो पहली चीज, इंट्राडे में आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के निकल जाते हो, प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर पाते हो, जबकि हर एक जगह, हर एक यूट्यूब चैनल पे, हर एक कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कट योर लॉसेस एंड ट्रेल योर प्रॉफिट्स, यानी अपना लॉस हो रहा है तो लॉस से जल्दी निकल जाओ, लॉस छोटा करो, जब प्रॉफिट करो तो बड़े प्रॉफिट करो और इसे ट्रेल करो। बस होता क्या है, इसका उल्टा होता है, हम लोग लॉस को होल्ड करते हैं इस होप में कि अभी ट्रेड रिटर्न में पैसा आएगा, अभी मार्केट रिटर्न हो जाएगी, इसी उम्मीद में हम लोग लॉस तो कर लेते हैं इतना बड़ा। लेकिन जब प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है ना, तो हम लोग प्रॉफिट छोटा सा लेकर के निकल जाते हैं, डर की वजह से हम लोग ज्यादा देर तक उसमें बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन आप जब स्विंग ट्रेड करोगे ना, तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको होल्ड ही करना होता है। ऐसा लगा सकते हो अपने पर डे के हिसाब से आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। प्लस इंट्राडे में 10,000 का 10,000 बनाना चाहते हो आप, इसलिए लॉस करते हो। सबसे बड़ी चीज, आप स्विंग ट्रेड में 10,000 से 10,000 क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर चांसेस हाई हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है ये पूरी स्विंग को कैप्चर करना। पूरी स्विंग क्या होती है, जैसे कि मार्केट का ये बेस बना है, अब यहाँ पर से हम लोगों ने बुलिश ट्रेड पकड़ा, तो हम लोगों की एग्जिट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, ये पूरी स्विंग, इतने बड़े बड़े मूवमेंट को पकड़ना ही स्विंग ट्रेडिंग रहता है। ये एक वन डे का टाइम फ्रेम है, ये एक दिन का चार्ट है, ठीक है, ये 22 सितंबर की कैंडल है और यहाँ पर ये 22 नवंबर की कैंडल है, यानी पूरे एक महीने का मूवमेंट है ये। अब इतने बड़े अगर चार्ट के ऊपर आप इतनी बड़ी स्विंग पकड़ोगे आपने, तो सोचो कितना प्रॉफिट आप बनाओगे यहाँ पर। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग, जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक बिगिनर या एक लॉस मेकिंग ट्रेडर की, कि वो सुबह सुबह का जो ट्रेड करता है तो उसमें प्रॉफिट है वो हर कोई करता है। ये मानना पड़ेगा आपको भी कि जब आप सुबह मॉर्निंग का ट्रेड करते हो तो उसमें आप प्रॉफिट करते हो, भले उसमें आप 500 का प्रॉफिट करते हो, लेकिन उतना प्रॉफिट आपको या मुझे कोई भी हो, सारे सबका यही होता है शुरू में, ये 500 रुपए का मान लो प्रॉफिट सुबह सुबह मॉर्निंग में कर लिया, तो ये प्रॉफिट हमें हजम नहीं हो रहा होता है। ट्रेड करने की चुल मची होती है अंदर से, चुल, पैसा नहीं चाहिए हमें मार्केट में, यहाँ ट्रेड करने कोई नहीं आता है भाई, पैसा किसी को नहीं चाहिए कि 500 आ गया लेके निकलो मार्केट बंद करो, नहीं, हमें ट्रेड करने की चुल है, हम और ट्रेड करते हैं दिन में, नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं उल्टा सीधा,
फिर यहाँ पर हमें लॉस होता है 1500 का पहले तो। अब ये 1500 का लॉस रिकवर करने के लिए हम लोग दिन भर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, कभी कभी लॉस रिकवर भी हो जाता है। मान लो बच गया 300, तो अब ये 300 कैसे बचा हुआ है, 800 रुपए और कमाने हैं, क्योंकि 500 रुपए ये वापस लाने हैं और 300 ये कवर करने हैं। अब 800 रुपए के चक्कर में यहाँ पर 25,000 का लॉस कर बैठते हैं आदमी, पूरा मतलब जो भी कैपिटल है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग की समस्या अगर है तो वो खत्म हो गई आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बार पोजीशन बना ली तो उसे होल्ड करना ही करना है, बिना होल्ड करे आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, चार्ट के सामने जितनी देर बैठोगे उतनी देर मार्केट आपको बुलाती रहेगी, लेकिन मार्केट बुलाती है, अपने को जाना नहीं है, ये वाला फंडा आप अपने साथ रखो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, आपको क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, कितनी कैपिटल रखनी चाहिए और किन जगह पर स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। ध्यान से बने रहना इस वीडियो में। अगर आप सच में अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ में गेम चेंजिंग साबित हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग में बहुत इतना बड़ा चेंज ला सकती है कि आप सपोज भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया ये रातों रात। ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये 50,000 एक एक लाख के कोर्स में लोगों को पढ़ाया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये वीडियो ध्यान से देखने के बाद में आप खुद सोचना, अगर यूट्यूब के ऊपर आप दोबारा से सर्च करोगे तो इसके जैसी कोई दूसरी वीडियो मिलेगी नहीं, इतनी ज्यादा वैल्यूबल वीडियो ये होने वाली है आपके लिए। तो ध्यान से बने रहना और एक एक चीजों को ध्यान से समझना, हो सके तो नोटपैड लेकर के बैठो, वहां पर लिख लेना। मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आए, दोबारा कंफ्यूज ना हो आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे तो भैया देखो, हर इंसान घुसा हुआ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी पैसा देती है शॉर्ट टर्म में, अच्छा खासा पैसा देती है, पर स्टॉक्स उनके भी बाप हैं। स्टॉक्स में जो जो ट्रेड करते हैं ये बात उनको पता होगी, जो ट्रेड नहीं करते हैं वो सोचते हैं कि स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए तो भैया बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। मैंने आपसे शुरू में बता दिया, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए की कैपिटल है और आपको इससे ही ट्रेड करना है, तो 10,000 की कैपिटल से मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप स्टॉक्स में करो, ठीक है? लेकिन ऐसा पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप मान के चलो कि आपने ये एक स्विंग पकड़ी है यहां से लेकर ये इस पॉइंट तक, अगर यही बैंक निफ्टी का चार्ट है या निफ्टी का चार्ट है, तो इतनी स्विंग में आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी पैसा बना के नहीं देगा जितना ये कोई भी स्टॉक्स उठा करके आपको बना करके देगा पैसा। वजह क्या है, पहली चीज तो निफ्टी बैंक निफ्टी वॉलेटाइल बहुत है, वहां पे प्रीमियम डिके बहुत तेजी से होता है, इंडेक्स में बहुत ज्यादा वॉल्यूम डिके हो जाता है, प्रीमियम डिके हो जाता है आपका। यहाँ से यहाँ तक आप 5,000 का प्रॉफिट करके लाए हो, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आती है लगभग आपका 20% प्रॉफिट खा जाती है। जो प्रॉफिट आपका यहाँ रनिंग था वो यहीं खत्म हो गया। अब इसको रिकवर करने के लिए आपको और नीचे आना पड़ता है, तो ये प्रीमियम डिके स्टॉक्स में बहुत कम होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग ही करने वाले हैं, जो करते आ रहे हैं। यहाँ पे कैश मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ना ही किसी और चीज में, ना ही होल्ड करना है कैश में लेकर के इसको, स्टॉक्स को। तो इसलिए हम स्टॉक्स चुन रहे हैं क्योंकि मूवमेंट पकड़ना आसान है, रिसर्च करना आसान है, एनालिसिस करना आसान है, और प्रॉफिट यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक वीक के लिए करके देखो, आपको खुद मजा आने लगेगा। अगर आपने स्टॉक्स में कभी भी ऑप्शन बाइंग करी है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं करी है, अगर आप ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग वो सॉरी स्टॉक्स में आप ऑप्शन बाइंग करने लग गए तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी को भूल जाओगे, आपको इतना मजा आएगा यहाँ पर ट्रेड करने में। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ अपने वीडियो को, एक एक चीज को डीपली एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कैसे करना क्या है। सबसे पहले देखो भैया, हमें एक बनानी है वॉचलिस्ट। वॉचलिस्ट में हमें यहाँ पर चाहिए स्टॉक्स, वो कैसे आएंगे, तो हम लोग यहाँ गूगल करेंगे सबसे जा करके ये वाला लिंक, क्या लिंक, लिंक छोड़ दो, यहाँ गूगल पर सीधे जा करके लिख देना के स्विंग ट्रेड स्टॉक्स, ये देख करो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स नेक्स्ट वीक चार्ट लिंक, ये लिख देना, पहली वेबसाइट आएगी खोल लेना। अब यहाँ पर आकर के जैसे ही रन स्कैन करोगे यहाँ पर सारे स्टॉक्स आ जाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है? इनमें से आप स्टॉक्स चुन लो,
इनको कॉपी कर लो, कॉपी करके एक एक्सेल में जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इनमें से ही आप स्टॉक्स को चुन सकते हो कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में रखना है, ठीक है। और हाँ, जब भी गूगल करना ना तो गूगल में एक चीज मेंशन कर देना, जब भी वहां पे अपना वो डालना के एक मिनट हाँ, गूगल में जब डालना तो नेक्स्ट वीक ऑप्शन बाइंग स्टॉक्स, ठीक है। अब रिसर्च मारते हैं, ये देखो मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टॉक्स। यहाँ से स्टॉक्स को कॉपी करो, वहां पर डालो, यहाँ पर आकर के क्रिएट वॉच लिस्ट में यहाँ पर अपने स्टॉक्स को ऐड करते चले जाओ, सारे स्टॉक्स को ऐड करो, उसके बाद आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर करना है हमें स्ट्रेटेजी तैयार कि हमें इन स्टॉक में ट्रेड कहाँ पर और कैसे लेना है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ तीन इंडिकेटर का यूज, जिसमें पहला इंडिकेटर होने वाला है EMA, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आ गया, अब EMA प्लॉट तो कर दिया, इसकी सेटिंग अभी चेंज करेंगे, कलर चेंज करेंगे, मैं ब्लैक रख रहा हूँ, आप अपनी पसंद से रख सकते हो। इनपुट में जाके लेंथ को कर देंगे 44 और ओके कर देंगे, ये 44 EMA लग गया है यहाँ पर। अब EMA की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज EMA में क्या देखनी है हमें, मैं कैंडल स्टिक बंद करूंगा तो आपको समझ में आएगी। देखो EMA यहां पर क्या बता रहा है, सबसे पहली चीज तो EMA राइजिंग है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे यहां से EMA डाउन आ रहा है तो हमें EMA क्या बता रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है। सबसे पहली चीज जो हमें EMA देख के पता लग जाती है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे EMA को समझ लें। देखो EMA में दो सिनेरियो हैं जिसके बेसिस पर हम ट्रेड करते हैं। अब वो दो बेसिस क्या है उसके बारे में देखो, यहाँ पर सिनेरियो बनते हैं दो तरह के भैया। जब ऊपर से प्राइस आ रही होती है कैंडल बनाती हुई, तो पहला सिनेरियो है कि इसे क्रॉस करे पावरफुल कैंडल, पावरफुल कैंडल जैसे ही इसको क्रॉस करेगी यहाँ पर तो ब्रेकआउट मिल गया। अब ब्रेकआउट मिला, एक बार डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर रिटेस्ट की एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो इन दोनों का जो लो होगा उसे मार्क कर लेंगे और हम लोग चले जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये आ गए हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इनका लो टूटेगा वैसे ही हम लोग एंट्री यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अभी इसमें और भी चीजें ऐड होंगी, सिर्फ यही देख करके वीडियो मत स्किप कर देना कि मुझे पता चल गया अब करना क्या है। दूसरा सिनेरियो ये है, यही प्राइस जब नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा ये रिटेस्ट की कैंडल बना दे। अभी मैं चार्ट खुल के भी दिखाऊंगा, ये सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पहले सिनेरियो समझा दे रहा हूँ कि हमें स्टॉक चुनना कैसे है, ट्रेड करना मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पर जैसे रिटेस्ट की कैंडल एक बनी, अब इनका इनका जो हाई था जब वो टूटेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड की एंट्री बनाएंगे। दूसरी चीज ये हो गए एक सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो, जब भी प्राइस ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा, यहाँ पर कोई भी कैंडल स्टिक बनाए, जैसे हैमर हो गया, बेरिश हरामी हो गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, इस तरह का कुछ भी यहाँ पे पैटर्न बनाता है, उसके बाद उसी कैंडल को हम लोग मार्क करेंगे। जब उसका हाई टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री वापस से कॉल साइड में बना लेंगे। इसी का सेम सिनेरियो, जब प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है और ये में ऊपर है तो यहाँ कहीं पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। यहाँ पर अगर आपको कोई पैटर्न दिखे, हैमर हो गया, बेरिश हरामी हो गया, बेरिश इंगल्फिंग कुछ इस तरह का, तो उसी कैंडल का मान लो ये कैंडल यहाँ पर बन गई इंगल्फिंग, इसका लो हम लोगों ने मार्क किया, लो जब टूटेगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपनी। अब ये हो गया EMA। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की कि हमें और कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट करना है। EMA को मैं अभी बंद कर देता हूँ। दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर लगेगा RSI, RSI ये लगा दिया हमने, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
अब RSI की सेटिंग में जा करके सबसे पहली चीज तो ये MA को बंद कर देंगे, यानी मूविंग एवरेज को बंद कर देंगे, तो येलो कलर का आ रहा है। अब ये देखो, इसमें एक मिनट में बता देता हूँ RSI को यूज कैसे करते हैं। RSI में तीन लाइनें होती हैं बेसिकली। पहली लाइन 70 की, ये ऊपर की जो दिख रही है लाइन आपको, ठीक है, ये नीचे की लाइन 30, ये लाइन 50। जब भी मार्केट इस लेवल पर होगा ऊपर या इसके आसपास, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पर पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यानी सेलिंग की, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ कहीं पर होगा तो हम लोग यहाँ पुट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग कॉल की पोजीशन को ढूंढेंगे कि कॉल की पोजीशन कहाँ बना सकते हैं। जब भी मार्केट, तीसरा सिनेरियो, ये 50% की लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा तो एक बुलिश मूवमेंट आएगा, और जब भी प्राइस ऊपर से इस 50 की लाइन को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट बनेगा। अब एक चीज और, जब भी RSI ये हो गई 50 की लाइन, ये हो गई इसकी 70 की लाइन, इन दोनों के बीच में ट्रेवल करेगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम दिखे मार्केट साइडवेज और कोई नहीं। ऐसे ही जब ये 30 और 50 के बीच में ट्रेवल करेगा, हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे। ट्रेड कहाँ बनाएंगे हम लोग, इसके ऊपर जोन पे और इसके नीचे वाले जोन पर। यहाँ से बनेगा कॉल का ट्रेड, यहाँ से बनेगा पुट का ट्रेड। समझ में आ गया होगा RSI बेसिक, सिर्फ उतना ही समझो जितने की जरूरत है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत होती नहीं है। अब देखो RSI की एक खास बात, यहाँ पर प्राइस हायर हाई का पैटर्न फॉर्म करता हुआ जा रहा है। देखो हायर हाई, ये देखो ये हायर हाई बना, ये उससे ज्यादा हायर हाई, उससे ज्यादा हायर हाई। अगर यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो जाएगी, देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। लेकिन क्या RSI भी बढ़ रहा है? RSI में देखो क्या हो रहा है, RSI का ये है टॉप, ये देखो इससे मिला है, तो RSI धीरे धीरे जा रहा है नीचे। RSI ऊपर आने के बजाय क्या कर रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ऐसा ये देखो 50 की लाइन को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ इसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेयरिश मूवमेंट आएगा। यहाँ पर ये 50 की लाइन के क्रॉस ओवर का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब RSI लग गया, अब बात करते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की। तीसरा इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा है, बहुत ही खास इंडिकेटर है, जरा ध्यान से देखना। इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे NADARAYA, एक मिनट स्पेस छूट गया, NADARAYA, ये देखो नडाराया वाटसन एनवलप लक्स अल्गो, ये नंबर है इसका 12082। इस इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देंगे। अब इसकी एक सेटिंग है, सेटिंग क्या होगी, सेटिंग वैसे कोई बेसिकली है नहीं, यहाँ पे लेबल्स और टेबल्स इन दोनों को हटा देंगे, बाकी और कुछ करना नहीं है इस इंडिकेटर में। अब देखो इसमें करना क्या है, जब भी प्राइस इसमें यहाँ पर देखो ये इस तरह का कोई भी पैटर्न बनाएगा, तो हम लोग यहाँ से पुट की पोजिशन कैरी करेंगे। जब भी प्राइस इसके पास आएगा यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से कॉल की पोजीशन को बनाएंगे। अब ये इसी तरह से काम करता है हमेशा, आप पूरा इसको बैक टेस्टिंग करके देख लो। इस इंडिकेटर को इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब भी देखोगे प्राइस नीचे के लेवल पर होती है तो ऊपर जाती है, जब ऊपर के लेवल पर होती है तो नीचे आती है। ये देखने में बोलिंजर बैंड जैसा दिखता है, पर यह बोलिंजर बैंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह की पोजिशन कैरी करते हैं हम लोग, क्योंकि जहां पर देखोगे प्राइस नीचे है वहां से प्राइस ऊपर जाती जरूर है, जहां पर प्राइस ऊपर है वहां से प्राइस नीचे आती जरूर है, आना ही होता है इसको। अब पैटर्न हमें ढूंढना है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर आई है, मार्केट क्लोजिंग हो रही है, तो उस हिसाब से मार्केट अगले दिन गैप अप अगर खुली तो ये बैंड भी ऊपर को चला जाएगा ना, इसलिए 100% श्योर होने के लिए यहाँ कहीं पर ऊपर पैटर्न ढूंढते हैं हम लोग, उसका हाई लो ब्रेक होता है तब ट्रेड लेते हैं। यहाँ कहीं पर जब हाई लो ब्रेक होगा तब ट्रेड लेंगे, ऐसा ही करेंगे तभी ट्रेड यहाँ पर हमारा एक्यूरेट हो पाएगा। अब यहाँ पर और इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेते हैं अपने, जो इंडिकेटर हमने लगाए हुए थे उनको विजिबल कर लेते हैं, जो हाइड कर रखे थे। ये हो गया अपना EMA, अपना EMA इसके अंदर बोलिंजर बैंड के जैसा आपको दिख रहा होगा, पर यह नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। EMA यहाँ पर लगाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि प्राइस अगर नीचे आपकी एंट्री नहीं बन पाई है
यहाँ पर प्राइस उसे क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहाँ से एंट्री हम लोग बना सकते हैं कॉल साइड के लिए। ऐसे ही ऊपर से एंट्री अगर हमारी छूट गई है तो यहाँ पर प्राइस, पहली चीज बीच मूवमेंट से कहीं कहीं आपने एक चीज देखा होगा, एंट्री बनाना तो अलग चीज है, यहाँ कहीं कहीं पर देखा होगा प्राइस आपने ट्रेड सही पकड़ा, देखो कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ये देखो यहाँ पर आपने पुट की पोजीशन कैरी करी लेकिन प्राइस क्या हुआ, बिल्कुल नीचे तक आ गया, यहां तक चला गया। अब मान लो प्राइस यहीं पर से मूव कर जाता, यहां तक बिल्कुल ना आता, इस कैंडल से ही मूव कर जाता प्राइस, तो हमें कैसे पता चलता कि हमें एग्जिट करनी है और प्राइस यहां से वापस फिर आता तो हमें कैसे लगता कि यहां से भी प्राइस नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हमारा ईएमए बहुत मदद करने वाला है, कैसे करेगा हम वो अभी आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखो ईएमए के नीचे प्राइस है, ठीक है, दिल थाम के बैठियो, ईएमए के नीचे प्राइस है, प्राइस डाउन जा रही है, जाएगी ही, हमें टेंशन तब लेनी है जब प्राइस ईएमए के ऊपर आ जाए, तब पर भी क्या हमारा एसएल कटेगा क्योंकि एंट्री तो हमने यहाँ बनाई है ना, तब पर भी हम प्रॉफिट में, तो इसलिए ईएमए को प्लॉट किया है हमेशा। इसके अंदर देखेंगे हम लोग एंट्री और एग्जिट के बाद में ईएमए को जरूर देखेंगे। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाई थी तो यहाँ पर ये रेड कैंडल देख के डर लगने लग जाता हमको, अभी हमें पता है यहाँ पर ईएमए लगा है, उसका रिजेक्शन है, इस वजह से खाली रेड कैंडल्स आ रही है, कम से कम अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, अपने एसएल को ला के लगभग इस कैंडल पर रख सकते हैं अगर यहाँ पर एंट्री बनाई थी, सॉरी यहाँ पर, तो ऑन कॉस्ट अपने एसएल को ला सकते हैं। तो ये चीजों की आसानी हो जाती है ईएमए से, बेसिकली ईएमए प्राइस को फिल्टर भी एक तरह से करता है, अगर इसके ऊपर प्राइस चल रही है तो बुलिश प्राइस है, मतलब प्राइस ऊपर जाने का चांस और ज्यादा है, इसके नीचे अगर प्राइस चल रही है तो इसका मतलब है प्राइस डाउनवर्ड में है। अब दूसरी एक चीज और, अगर प्राइस ईएमए से काफी दूर निकल के आ चुकी है तो देखो फिर प्राइस को अपना एवरेज करने के लिए अपने प्राइस ईएमए के पास जाना ही पड़ेगा, या तो प्राइस जाएगी ईएमए के पास या तो ईएमए आएगा प्राइस के पास, दो में से एक दूसरे के साथ में आएंगे जरूर, दोनों मिलेंगे जरूर, इस चीज के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि प्राइस जहां पर भी देखो दूर गई है वापस से फिर ईएमए के पास गई है या तो फिर ईएमए प्राइस के पास आया है। अब हमें ट्रेड कैसे करना है आ जाते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये लग गया अपना आरएसआई, हमें तीन चीजें ढूंढनी है, यहाँ पर अपने स्टॉक की लिस्ट खोल लेंगे अपनी, सबसे पहले ये रिलायंस लगा है, यहाँ पे स्टॉक की लिस्ट है, अब चलेंगे ऊपर, हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले वो स्टॉक ढूंढना है, ये काम हमें करना कब है, संडे को करना है जब मार्केट क्लोज होता है, सैटरडे को करना है, दो में से एक दिन करना है आपको, एक दिन की रिसर्च पूरे हफ्ते का प्रॉफिट, एक दिन की रिसर्च पूरे हफ्ते का प्रॉफिट, रिसर्च एक दिन करो पूरा हफ्ता बैठ के आराम से घूम टहल करके प्रॉफिट कमाओ, यही एक खासियत है स्विंग ट्रेडिंग की। अब देखो हमें ढूंढना क्या है, वो स्टॉक ढूंढना है जहां पर सबसे पहली नजर हम बना के रखेंगे, जो कीबोर्ड का नीचे वाला एरो वाला बटन होता है ना उसे दबाएंगे, तो उसे लैपटॉप में जो नीचे वाला एरो होता है इसे डाउन करते चले जाएंगे, एक एक स्टॉक यहाँ पर ऐसे चेंज होता रहेगा, देखो आप यहाँ प्लेलिस्ट में, वॉचलिस्ट में सॉरी, ऐसे चेंज होता जाएगा। तो हमें देखना क्या है, सबसे बड़ी चीज हमें सबसे पहली चीज एक एक नजर में देखनी ये है, देखते चली जानी है कि कैंडल स्टिक प्राइस यानी के या तो यहाँ पर हो या तो फिर यहाँ पर हो, बस ये चीज देखनी है। जब हम ढूंढे तो आप अगर चाहो तो आरएसआई को बंद कर सकते हो, पर इसे लगा रहेंगे ना ईएमए को, या तो प्राइस यहाँ पर मुझे चाहिए या तो प्राइस मुझे यहाँ पर चाहिए या तो फिर ईएमए के पास चाहिए, तीन में से एक जगह पर प्राइस होगी तो हम लोग उस सिनेरियो में काम करेंगे, रिसर्च अपनी करेंगे। एक कॉपी पेन लेके बैठियो संडे को सैटरडे को, एक घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर आप रिसर्च करके उठ जाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरह से। देखो इस तरह से लगाया, प्राइस नहीं है कैंसल, नहीं है प्राइस कैंसल, अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है कैंसल, अब ये देखो कैंसल, प्राइस ऊपर से आ रही है कैंसल, ये देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट मैं हटा देता हूँ, देखो ये स्टॉक मिल गया, कौन सा है, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक मिल गया स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज तो आरएसआई,
देखेंगे RSI क्या कह रहा है। RSI जो है वो सबसे पहले प्रीवियस हाई से उसका हाई जो बन रहा है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। और वही लो की कंडीशन है कि जब भी लो बन रहा है तो उसका हाई जो है वो ऊपर है, यानी हायर हाई का पैटर्न फॉर्म है। यहाँ पे प्राइस भी है, देखो कैंडल स्टिक कभी कभी ऊपर जा रही होती है, पर आपने अगर ट्रेड लिया है मान लो 150 रुपए में, यहाँ पर आपने पोजीशन बाई करी 150 रुपए का भाव आपने लिया हुआ है, अब प्राइस धीरे धीरे यहाँ पहुंच गया लेकिन आपका रेट जो था वो अभी 160 पहुंचा है सिर्फ 10 रुपए। कभी कभी इतने में ही आपका प्रीमियम 250 रुपए पहुंच जाता है। तो ये चीज जो होती है ना, वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो इसके बारे में हमें RSI बताता है। तो RSI इसलिए देखते हैं, RSI के हिसाब से प्राइस मूवमेंट ऊपर है। ये देखो यहाँ पर क्या कहते हैं अपने 70 के लेवल पर, और मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी RSI अपने इस लेवल के पास होगा तो हम लोग यहाँ से पुट की ट्रेड ढूंढेंगे कि ना नीचे आने की ना कि ऊपर जाने की। और दूसरा सिग्नल ये कंफर्मेशन हो गई हमें पुट के लिए कि ये 70 के अपने लेवल को तोड़ने के लिए रेडी खड़ा है। हमें वेट किसका है कि ये 70 के लेवल को क्रॉस करे, ठीक है, नीचे की तरफ ये क्रॉस करे, ये हमारा वेट है RSI को लेके। दूसरी चीज, हमको ये जो नदारा या वाटसन लगाया था इसमें प्राइस कहाँ चाहिए थी, अगर नीचे होगी तो कॉल की पोजीशन, ऊपर होगी तो पुट की पोजीशन, यानी कि दूसरी कंफर्मेशन। RSI पहली कंफर्मेशन क्या कह रही है, प्राइस यहां से डाउन, यानी कि डाउन आएगा प्राइस। दूसरी कंफर्मेशन ये इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, प्राइस को अब डाउन आना चाहिए। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, यहां पर इसे यू मार्क कर लेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल जब इसे तोड़ेगी ना, इसका ये हाई जो लो है, तो हम लोगों की यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला टारगेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हम लोगों ने ये लगाया है, जब तक ये कैंडल नीचे आएगी तो ये यहाँ कहीं पर आ चुका होगा, जो कि उसका सपोर्ट जोन बनेगा, जो सही भी है क्योंकि अगर प्रीवियस स्विंग देखें तो ये हमारी प्रीवियस स्विंग बन रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर आएगा, सपोर्ट बना सकता है, तो अपने दिन में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा देंगे। अब यहाँ से अगर प्राइस और नीचे आता है, वैसे मुश्किल है क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट यही है, क्योंकि जब तक कैंडल यहाँ तक आएगी आएगी, ये EMA तो यहाँ तक पहुँच जाएगा सपोर्ट देने के लिए, प्लस ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी उस टाइम पर यहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो एक ये मूवमेंट है जिसे हम कैप्चर कर सकते हैं। अब कितना कैप्चर होगा ये देख लो, इसमें आपका बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। इसी तरह से स्टॉक्स को फाइंड करते रहेंगे, एक कॉपी पेन के ऊपर लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे एक्सिस बैंक, क्या डालेंगे, RSI गेटिंग डाउन, नडराया वाटसन सिग्नल डाउन, और क्या लिखेंगे, टारगेट लिखेंगे कि जहां पर जैसे इसका लो टूटेगा हम वहां पर एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पर एक लाइन खींच लो इसी टाइम पर। उसके बाद इंडिकेटर आप नई लेवल लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक लो की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ये आ गई लाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर यहीं पर लिख भी लेंगे, ये हो गया, ये हमारी लाइन लास्ट क्लोज। अब यहीं पर क्या करेंगे, लिख भी देंगे एंट्री इन पुट आफ्टर टेकिंग प्रीवियस लो, ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया, ये लो, हमें याद रहेगा जब भी हम ट्रेड करने आएंगे, हमें याद रहेगा मार्केट कल खुले या परसों खुले, ठीक है। अब दूसरी लाइन कहाँ खींच देंगे, इस स्विंग के पास में। हमको समझ में आया कि वो हमारी एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना है, ठीक है, हमें यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, ये हमारी यहाँ पर लिख कर भी रख देंगे, एग्जिट पॉइंट, ये हमारा हो गया एग्जिट पॉइंट, ठीक है। अब ये हमारा ट्रेड तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर से इंडिकेटर्स को हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ट्रेड तैयार हो गया।
अब इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर हम लोग पुट बाई करेंगे। पुट बाई करने के बाद में ये हमारी एग्जिट पॉइंट हो गई, इसे लगा के रखेंगे, बना दिया है। अब इसको छोड़ दो, आपने कॉपी पेन पर लिख लिया है, चार पांच स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिन्हें छाट के रख लेना सैटरडे संडे में, और मंडे में एंट्री बना लेनी है, और फिर जब एक्सपायरी डे होगा उस दिन हम लोग एग्जिट करेंगे। देखो कोटक महिंद्रा भी देख लो कहाँ पर है, हमें प्राइस कहाँ चाहिए थी, बिल्कुल यहाँ पर। तो वही सेम चीज है, RSI क्या कर रहा है, RSI आ रहा है नीचे अभी, यानी कि यहाँ पर ये एक कैंडल और फॉर्म कर सकता है रेड, ठीक है। अभी वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम बता सकता है, मंडे के दिन ये मार्केट जब खुलेगा तो ये साइडवेज मार्केट खुल सकता है, और पूरा दिन मार्केट को बड़ा मूव ना दे, साइडवेज रहे, तो यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी एंट्री बनेगी कॉल साइड में, क्योंकि यहाँ पर ये रहेगी RSI वीक होगा, RSI नीचे आएगा, उसे वापस से ऊपर जाने का मौका मिलेगा प्राइस को, यहाँ पर प्राइस वापस से ऊपर जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और ये देख रहे हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये इसके मुंह पे आकर खड़ा हो जाएगा, तो ब्रेकआउट करने के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही बहुत है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एग्जिट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर एग्जिट पॉइंट क्या है, ये एग्जिट पॉइंट फिलहाल अभी एग्जिट पॉइंट पे लाइन खींच देते हैं। एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, जब इस कैंडल का ये जो हाई है ये टूटेगा ना तो हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। इतने इतने में ही आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना बड़ा यहाँ प्रॉफिट होगा। आपको ये देखने में छोटी रेंज लग रही होगी लेकिन ये वन डे की कैंडल है, एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। तो पूरे दिन में कितनी मूवमेंट होती है आपको पता ही है, और स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा पैसा बना के देते हैं। तो इस तरीके से अपनी लाइन खींच लिया, हमें समझ में आ गया, यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे अंबुजा सीमेंट है अगला स्टॉक। देखो यहाँ पर ये भी ऊपर की तरफ है, ये नीचे आ सकता है, कैसे आएगा, इसका लो है ये, देखो ट्वीजर बॉटम कैंडल बनाई है इसने, लेकिन ये ट्रैप है, कैसे कैसे ट्रैप है, देखो RSI जो है ना वो अभी ऊपर ही जा रहा है, हायर हाई RSI में देखो, हायर हाई फॉर्म हो गया, प्लस यहाँ पर ये जो कैंडल बनाई है ये एक ट्वीजर बॉटम टाइप की कैंडल है, क्यों, इसका बॉटम देखो, इस कैंडल का और इस कैंडल का देखो, दोनों का लगभग में सेम है। अब अगर इसे तोड़ के नेक्स्ट कैंडल नीचे आती है तो हमारी पुट में एंट्री यहाँ पे बन सकती है, हमें ध्यान बना के रखना पड़ेगा। पहली एंट्री हमारी ये बनेगी, दूसरा जो मतलब एग्जिट पॉइंट होगा वो होगा हमारा ये EMA हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं, बिल्कुल ट्रेल करके अपने SL को यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। अब बात हुई SL की, तो एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एंट्री किस तरह से बनानी है। अब बात करते हैं SL की, जैसे एक्सिस में हमने एंट्री ढूंढी थी, इस तरह से पांच स्टॉक छह स्टॉक हमें ढूंढ लेने हैं हफ्ते में, और पूरा हफ्ता हमें आराम से गुजारना है टायर घूम करके, ठीक है। स्टॉक मार्केट में काम करने क्यों आए थे, यहाँ मेहनत करनी थी तो मेहनत करने के लिए मजदूर बन जाते हैं ना, तो मेन चीज यही है, यहाँ पे मेहनत थोड़ी ना करनी है, आराम से ट्रेड करने है, आराम से मौज मस्ती करनी है, पैसा भी बने और काम भी चले। तो हमारा SL देखो, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। अब हमारा SL क्या होगा, हमारा SL बनेगा जस्ट इसके ऊपर, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर बन जाएगा ये हमारा SL, ठीक है, यही हमारा SL है। अब इसे क्या करेंगे, इसे कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिख भी देंगे स्टॉप लॉस, और पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे कितने पॉइंट हैं ये स्टॉप लॉस, जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ये बन रहा है उतने पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग तुरंत लगा लेंगे। देखो हमारी एंट्री बन रही है 961 पर, यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, स्टॉक्स में 961 की है, 983 ये हमारा टारगेट है, तो 983 और 961, अब ये 20 पॉइंट का लगभग यहाँ पर ₹20 का SL बन रहा है, ठीक है। अब ₹20 का SL बन रहा है, अब यहाँ पर एक्सिस बैंक की लॉट कितने की होती है उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ₹20 का SL कितना होता है, यहाँ पे आप कितने रुपए का क्या खरीदते हो, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे अपने SL को। इसे बना करके रख दिया अब हम लोगों ने, अब हमें करना है क्या है, मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगी, मार्केट खुलते ही अगर इसे ब्रेक होता है ये जोन, ये लाइन जो हमने बनाई है एंट्री इनपुट आफ्टर ब्रेकिंग प्रीवियस लो,
जैसे ही ये ब्रेक होता है हम लोग एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, या तो फिर जिस कैंडल में आपने एंट्री बना रहे हो ना उस कैंडल से थोड़ा ऊपर अपने सेल को रख दो और मार्केट को समझ दो, ठीक है। अब मार्केट के आने का इंतजार करेंगे अपने टारगेट पे, जिस दिन खाली सुबह के टाइम पे एक बार चेक कर लेंगे मार्केट को 10 बजे के आसपास, एक बार चेक कर लेंगे 2:30 से 3 के बीच में और अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे। उसके बाद में चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी जेब में फोन है उसमें डीमैट अकाउंट है, निकालो एक बार सुबह चेक कर लो, एक बार शाम में चेक कर लो, काम खत्म, अपने एसएल को ट्रेल करते चलो। अब जब सैटरडे आएगा प्रॉफिट जो भी आया है उसे बुक, टारगेट जिस दिन आ रहा है आपने देख लिया कि यहाँ तक कैंडल स्टिक आ गई है, नेक्स्ट डे कैंडल आ सकती है यहाँ तक, टारगेट आ गया हमारा कितने रुपए है, टारगेट हमारा टारगेट है 909 रुपए, 909 रुपए का टारगेट है, ठीक है। अब लगभग लगभग 50 पॉइंट का मूव है ये, 50 रुपए का मूव समझ रहे हो। अब मैंने 50 रुपए का मूव अभी कैप्चर किया था टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में मैंने कैप्चर किया, दिखाता हूँ मैं आपको टाटा मोटर्स ने 2 दिन पहले कितना जबरदस्त मूव दिया था अपसाइड में। ये देखो टाटा मोटर्स का चार्ट देखो आप, ये देख रहे हो मूव, इस मूव को कैप्चर किया, इसमें 50 पॉइंट मैंने इसमें भी बुक किए थे। अब टाटा मोटर्स की लॉट साइज है 1400 की, अब सिंगल लॉट अगर ली थी ना यहाँ पर, मान लो के चलो मैंने तो यहाँ पर ज्यादा लॉट साइज लिया था, सिंगल लॉट में यहाँ पर प्रॉफिट 1400 को आप जोड़ लो कितना बनता है जाकर के, एक लॉट साइज इसका है 1400 का, ठीक है। 1400 मल्टीप्लाई 50 पॉइंट अगर करोगे इसमें तो 50 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर बनता है 70,000। अब बताओ निफ्टी बैंक निफ्टी में इससे ज्यादा बनता है या इसमें ज्यादा बनता है, इसी तरह की ट्रेडिंग करने में ही तभी आपका पैसा बनेगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज हम लोग एंट्री यहाँ बनाएंगे, एग्जिट यहाँ करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज करना है, इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, RSI को कैसे यूज करना है, वॉचलिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, कब तक होल्ड करना है, ये सब कुछ क्या करेंगे एक कॉपी पेन पर लिखते जाएंगे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या एंट्री हो रही है, पूरी डिटेल में आप 4 पन्ने भर के लिखो। आप जिस दिन मंडे को बैठो ना सुबह, आपको पता होना चाहिए हमें एंट्री कहाँ बनानी है, 4-5 स्टॉक में से एक स्टॉक में जहां पर भी एंट्री बने वहां पर एंट्री बना लो, चुपचाप बैठ जाओ सिंगल लॉट के साथ। इसी तरह की वह तो फिर ये देखो यहां पर पूरा मूवमेंट कैप्चर देख रहे हो, प्राइस आता ही है नीचे यार, प्राइस आता ही है, ये देख रहे हो, ये देखो यहां से प्राइस उठा ऊपर तक गया, यही होती है स्विंग ट्रेडिंग, पूरी एक स्विंग को कैप्चर करना, प्राइस यहाँ से चला हायर आई। अब देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर हटा दूं यहाँ से तो देखो ये पूरी ट्रेंड लाइन बनाता हुआ गया है ऊपर, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तब प्राइस नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर का फायदा उठाओ और ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड पैसा बनेगा, अपने लॉसेस को रिकवर करो, अपने रिसर्च एनालिसिस पर भरोसा रखो, एजुकेशन पर ध्यान दो और देखते रहो। तो इसी तरह से वैल्यूबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और बने रहे हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।